नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज। आपके साथ मैं रश्मि कश्यप, और आगे आपको दिखाते हैं बड़ी खबर जिला हरिद्वार के जबरेड़ा क्षेत्र से। मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभा करने में जुट गए हैं। जबरेड़ा विधानसभा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजपाल सिंह ने कोरोना योद्धा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुत्री अनुपमा रावत थी। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और भाजपा पार्टी पर अंबानी व अडानी को ही लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है, तेल के दामों में बढ़ती बढ़ोतरी पर सरकार खामोश है, किसान बेहाल है, लेकिन यह सरकार केवल जनता का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार केवल लोगों को ठगने का काम कर रही है, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा सुपड़ा साफ करेगी और कांग्रेस इस बार पुनः बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, जो आज का ये कार्यक्रम है, ये उन कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह है जिन्होंने कोरोना के समय 2020 में जो इतनी बड़ी आपदा इस देश को झेलनी पड़ी, इस देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झेलनी पड़ी, आज वो एक सम्मान चाहते थे जो कोरोना हमारे वॉरियर्स थे, तो उनके लिए हमने यहाँ पर एक ये कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह का एक आयोजन यहाँ पर हमने किया है। और जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी थे जिन्होंने अपनी जान को रिस्क में डालते हुए दूसरों की जान को बचाने का काम किया है, उन्हों भी हमने यहाँ पर सम्मान देने का काम हमने किया है यहाँ पर। और जो हमारी विकलांग है, विधवाएँ, हमारी माताएँ बहनें हैं, उन्हें हमने शॉल देकर इस कार्यक्रम में उनका सम्मान करने का काम किया है। और मैं जो आपने मुझे भी एक सवाल किया है, देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार महंगा जो जिस तरह से इस देश में बढ़ रही है, और जिस तरह से आज अब देखिए पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान को छूने का काम कर रहे हैं, रसोई गैस की जो बात हम करें, जो सिलेंडर गैस गैस था जो 350 रुपये में मिलता था, आज वो 900 रुपये के करीब पहुँच चुका है। तो महंगाई इस कदर से इस देश में बढ़ रही है, मैं समझता हूँ जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, जो हमारे किसान हैं, वो इस जो है महंगाई के दौर में पूरे पीड़ित हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश की सरकार से, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जिस तरह से दिल्ली में किसान चारों बॉर्डर पर पड़ा है और 4 महीने उनको लगभग हो चुके हैं, सैकड़ों किसानों ने वहाँ पर अपनी शहादत दी है, तो माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो कृपया करके एक बार उनसे बात करने का काम करें। जो ये 3 बिल जो काले कानून के रूप में उन्होंने इस देश किसान जो देश का किसान है उसको थोपने का काम किया है, मैं समझता हूँ उस 3 बिलों को उनको वापस लेने का वो काम करें, अन्यथा उनसे बैठ कर बात करें, उनसे विचार विमर्श करें कि अगर ये इतना अच्छा बिल है तो इसे बैकडोर से क्यों लागू करने का काम किया है। जिस तरह से 3 बिलों का इन्होंने काले कानून के रूप में थोपा देने का काम किया, किसान इसको नहीं चाहता और इसको मांग करता है ये वापस लिए जाए। बहुत बढ़िया। हमारे किसानों के साथ, श्रमिकों के साथ एवं सभी के साथ, सभी वर्ग इतना परेशान है, तो ये नतीजा तो आना ही था। सरकार लोकतंत्र में इसलिए बनती है ताकि जनता के लिए कार्य हो, और जब वो ही काम नहीं होते तो जनता भी फिर अपना फैसला सुनाती है, और ये फैसला वही है। 2022 कांग्रेस ने हमेशा से ही हर वर्ग, हर व्यक्ति का सम्मान किया है, और हमें उम्मीद है कि सभी को यथास्थिति जो है उनको बिल्कुल सम्मान मिलेगा, और जो भी अच्छे कैंडिडेटर के रूप में निकलेंगे उनको पार्टी ज़रूर कंसिडर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, समय क्या है, 100 के पार पेट्रोल हो गया है, 90 के पार डीजल पहुंच गया है, 750 से ऊपर आपका सिलेंडर है, खाने की जो पदार्थ हैं वो इतने महंगाई बढ़ चुकी है कि आम व्यक्ति की रसोई से सब कुछ गायब कर दिया। ये मोदी जी के ने क्या बहुत कुछ सब कुछ सस्ता कर दिया है? इतनी महंगाई तो कभी पहले ना कभी देखी ना अभी जो देख रहे हैं, ये तो असंभव सा लग रहा है, और पूरी तरीके से विफल हो चुकी है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी।